हर सभी को आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे अभुआ आवास योजना के रिकॉर्डिंग पे। यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ, नई नई जानकारियाँ आ रही हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अगर घर नक्शा से अगर ज़्यादा आप यहाँ पे घर को बड़ा बनाते हैं तो यहाँ पे आपका पैसा जो कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये कितनी सच्चाई है इसके बारे में हम लोग पूरा बात करेंगे। यहाँ पे मिनिमम आपको घर कितना बनाना है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मेन मेन टॉपिक को कवर करेंगे जो कि यहाँ पे बड़ी अपडेट आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपली सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि आप मिनिमम आपका जो भी घर है वो घर का नक्शा जो है वो कम से कम यहाँ पे 31 वर्ग मीटर होना अनिवार्य है, वरना वो अभुआ आवास की गिनती में नहीं आएगा, जिससे आपको सरकारी फंड का पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे 31 वर्ग मीटर कम से कम आपका होना जरूरी है। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आज वीडियो पे कमेंट आया, तो मैंने उसका पूरा छानबीन किया। छानबीन करने के बाद मुझे ये पता चला, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कमेंट है, यहाँ पे रतन सर की ओर से पूछा गया ये क्वेश्चन है जो कि अभुआ आवास नक्शा में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सर नक्शा से बड़ा रूम सब बना सकते हैं, मतलब ये पूछ रहे हैं कि नक्शा से हम लोग रूम बड़ा बना सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे जो देख सकते हैं उसके बाद दिया गया बड़ा बनाने से अगला बिल पास होगा या नहीं, या मतलब पूछने का मतलब यह है कि अगर हम लोग रूम बड़ा बनाते हैं तो अगला बिल हमारा पास होगा कि नहीं। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं कि 31 वर्ग मीटर में जो हमारा घर बनाने का था वो मिनिमम 31 वर्ग मीटर था, जिसमें आपको जो कि पहला किस्त है वो पहला किस्त आपको 30,000 रुपया दिया जाता था। 30,000 देने के बाद आपको घर कुछ कंप्लीट करना चाहिए था। यहाँ पे आपको टाइबीम आप समझते हैं, जैसे टाइबीम तक आपको यहाँ पे घर कंप्लीट करना चाहिए था। और उसके बाद आपको सेकंड किस्त के लिए, यहाँ पे आपको सेकंड किस्त के लिए फिर से जियोटेक कराया जाता था, यानी कि आपको जियोटेक कराया जाएगा जो कि है आप मनुष्य के साथ जो भी आदमी जिस जो भी लाभुक है उसके साथ यहाँ पे आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा, उसके बाद वहाँ पे जियोटेक किया जाएगा। जियोटेक करने के बाद आपका यहाँ पे सेकंड किस्त जो कि 50,000 रुपया है, उस सेकंड किस्त आपको यहाँ पे FTO प्रोसेस कर दिया जाएगा जो कि आपको जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के थ्रू आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसने पूछा कि जो कि हमारा जो कि सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो आएगा कि नहीं, यहाँ पे आएगा कि नहीं वो सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये पूछा कि अगर हम लोग रूम बड़ा बना लेते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि 31 वर्ग मीटर जो कि जगह था, अब उसका यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है। आप कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पे हर जगह पे बताया जाएगा कि आपको मिनिमम 31 वर्ग मीटर आपको घर बनाना है। यहाँ पे जब भी लाभुक का चयन हुआ था, आप जानते हैं कि यहाँ पे लाभुक का चयन होने के लिए यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे ग्राम सभा बैठाया गया था, उसके बाद ही लाभुक का चयन हुआ था। इसका मतलब जो भी घर वाले हैं यानी जो भी लाभुक है वो गरीब है या उसका पक्का मकान नहीं है। तो इसी कारणवश यहाँ से पूरा पता चलता है कि यहाँ पे जो भी लाभुक है उस वो गरीब है, इसी कारण से इन्हें अभुआ आवास योजना का लाभुक बनाया गया था ताकि ये गरीब हैं। तो इससे ये होता है कि अगर आप यहाँ पे लाभुक गरीब हैं तो यहाँ पे आपको एक जो टारगेट दिया गया था कि मिनिमम 31 वर्ग मीटर आपका लिमिट कर दिया गया था कि आपको मिनिमम 31 वर्ग मीटर घर बनाना है। तो यहाँ पे जो कि बड़ा बनाने का बात है, ये अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये कहना है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर कुछ भी कटआउट को ला के दिखा दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा बनाने से आपका यहाँ पे समस्या आएगी। तो ये समस्या आपको कुछ भी नहीं आएगी, आपका अगर पूंजी है, बचत पूंजी आपके पास है तो सिंपली आप उसको ऐड करके आप वो चाहे तो बड़ा बना सकते हैं, लेकिन समय के अंदर आपको ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। घर जो कि अभुआ आवास का घर है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आप जब भी घर बड़ा बनाए, नक्शा से अगर घर बड़ा बनाते हैं तो अपने नज़दीकी जो कि मुखिया जी हैं, आपके जो भी ग्राम पंचायत के मुखिया जी हैं, उनसे जाके आपको बात करनी पड़ेगी और उन्हें जानकारी देनी पड़ेगी कि मैं घर बनाना चाहता हूँ। तो जिससे कोई भी अगर समस्या है तो उसका हमको यहाँ पे समस्या का समाधान बताएं, क्या मैं बड़ा बना सकता हूँ कि नहीं। तो जैसे ही आप उससे बात करेंगे वो आपको सलाह देंगे कि आपको कैसा करना है क्या नहीं,
तो एक बार जरूर आप प्लीज जाके अपने मुखिया जी से मिले, ताकि आपको पता चले कि आपका घर बड़ा बनाने में आपका समस्या क्या आएगी, क्या नहीं आएगी, कौन से बजट में क्या होगा, आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया जाएगा। अगर फ्यूचर में यानी कि बाद में अगर कोई भी ऐसी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल में देखने के लिए मिलेगा। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है या फिर जानकारी मिले तो सिंपल वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसी तरह के वीडियो देखना पसंद है तो सिंपल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।